है गाइस, वेलकम टू माय चैनल आपके आधार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके जस्ट एक दिन पहले हमारे पड़ोसी नल्ला यानी पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि में वायसराय लॉज मौजूदा राष्ट्रपति भवन में दिया था। तब नेहरू जी पीएम नहीं थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी उस समय 9 बजे ही सोने चले गए थे। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध के पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किला पर झंडा फहराया था। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो जाएं, आप अपना आशीर्वाद दें। लेकिन महात्मा गांधी ने उस दिनों दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वो अनशन पर बैठे थे। महात्मा गांधी ने उस पत्र का जवाब भिजवाया जब कलकत्ता से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे थे। ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ, मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक प्यारा सा सुविचार अपना कमेंट के रूप में अवश्य दें, और इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।